रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पुल के नीचे चीख चिल्ला रही थी महिला, देखा तो सभी के उड़ गए होश। सोशल मीडिया के इस जमाने में खबरों को यहां से वहां फैसले तनिक भी देर नहीं लगती है, लिहाजा हाल के दिनों में लोगों को घर बैठे बैठे देश और दुनिया की तमाम अच्छी बुरी खबरें मिला जाती हैं। वहीं साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स संबंधित खबर पर अपनी राय भी देते हैं, जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। वैसे ही हाल के दिनों एक बेहद ही दर्दनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। वायर हो रहे इस तस्वीर को लेकर बताया जाता है कि यह उड़ीसा के मयूर भवनज की है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहीं जब आप इस तस्वीर की सच्चाई जानेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस लाचार महिला के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं रहे। सुरुबिल गांव की रहने वाली इस महिला ने जिंदगी भर काम करने बाद एक घास का घर बनाया, लेकिन इनके इस घर को बलवान हाथियों ने उजाड़ दिया। आपको बता दें कि यह महिला गर्भ से थी, जिसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने के लिए न तो इनके पास अपना घर था और न ही इन्हें सरकारी की ओर से कोई मदद की गई, जिससे कि वे अपने बच्चे को अस्पताल के किसी कोने में जन्म दे सके। थकी हारी गर्भवती महिला को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वह एक पुल के नीचे जाकर छिप गई, क्योंकि उसे अब भी इस बात का डर था कि उसे या उसके बच्चे को फिर से हाथी या कोई और नुकसान पहुंचा सकता है। बताया जाता है कि महिला की प्रसव पीड़ा की आवाज़ सुन वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने देखा कि महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जाता है कि क्योंकि महिला को देखने वाले सभी पुरुष थे, इसलिए वे चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सके। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बात की जानकारी क्षेत्र के विधायक को भी थी, लेकिन उन्होंने भी महिला की मदद नहीं की। हालांकि इसके बाद भी महिला ने अपने बच्चे को पुल के नीचे जन्म दिया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।